आपका जन्म लग्न क्या है? मेष है, धनु है या सिंह है, या फिर आपकी कर्क है या फिर मिथुन है, यानी कि 12 में से कोई तो एक लग्न होगा आपका। और कैसा होगा आपका जीवन साथी और कैसे आप अपनी गृहस्थी को बहुत अच्छा व्यतीत कर सकते हैं, कैसे समय रहते ही आप अपने आने वाले जीवन साथी को समझ सकते हैं, और कैसे आप अपने वर्तमान में जिनका विवाह हो चुका है वो अपने जीवन साथी के स्वभाव को समझ करके कैसे अपनी गृहस्थी को सुखमय बना सकते हैं, कैसे समस्याएं जो आपस में एक दूसरे से उलझी हुई हैं कैसे उसे सुलझा सकते हैं, ये मैं आपको आने वाली वीडियोस के अंदर बताऊंगा। बहुत गहराई के साथ नहीं, बहुत प्यार से, बहुत आसान तरीके से समझाऊंगा। आपका जन्म लग्न क्या है नीचे मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको अपनी गृहस्थी में किसी तरह की समस्या है तो नीचे मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए गूगल फॉर्म मैंने यहाँ पर दिया हुआ है उस पर आप अपनी और अपने पार्टनर की दोनों की बर्थ डिटेल और जो भी आपकी गृहस्थी में समस्या है वो आप मुझे यहाँ लिख करके भेजिएगा, मैं उसका सोल्यूशन आपको, आपके पार्टनर को और दोनों कैसे एक दूसरे को समझें इसके ऊपर मैं आपको कुछ लाइनें लिख कर दूंगा, आजमा कर देखिएगा। आपको अपनी गृहस्थी में ऐसे अच्छा अनुभव मिलेगा जैसे आपको चाहे रोड पर कितनी भी गाड़ियां हॉर्न बजा रही हों, चाहे कितना भी आपको परेशान कर रही हों, लेकिन आप फिर भी अपनी गाड़ी को सही अलाइन करके सही लेन में चलाकर अपनी मुक्ति की डेस्टिनेशन पर पहुंच सकते हैं। इसीलिए तो कहता हूं एक अच्छा कंसल्टेंट चुनिए, आपकी जो समस्याओं को चुन चुन करके आपके सामने रखे और कहे अब इन्हें बाहर निकाल दीजिए, ऐसा नहीं जो आपको उलझाए, जो आपको सुलझाए वही आपका अच्छा कंसल्टेंट होता है। आप अपनी पर्सनल कंसल्टेंसी लेने के लिए भी मुझसे अपॉइंटमेंट लेकर मिल सकते हैं, या आप टेलीफोनिक और वीडियो कॉल अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। तो देर किस बात की, स्क्रीन पर दिए नंबर पे कॉल करके आप अपना अपॉइंटमेंट फिक्स करा लीजिए, मैं आपके स्वागत के लिए हमेशा तैयार हूँ। जय माता दी।